गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप योर मैथ टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8D। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कल कर चुके हैं, ए बी क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो क्या डिफरेंट है ये आज हम बताएंगे आपको। कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें, इसमें एच सी एफ निकालना है। कॉमन फैक्टर इसमें एच सी एफ निकालना है। जब भी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे उसके बाद एच सी एफ निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमने फैक्टर निकालने हमने पहले सीखे ही थे। तो सबसे पहले ऑल फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद ऑल कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब है जो दोनों कॉमन, जो दोनों में शामिल होता है, ठीक है। इस फैक्टर में मिले, 12 वाले फैक्टर में मिले और 115 वाले में भी। कैसे करना है, पहले कॉमन, पहले हम क्वेश्चन नंबर ए करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 12 एंड 15। सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने आने चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए? फैक्टर। तो फैक्टर हमें डिवीजन मेथड से याद हो तो सिखाया था कि वन से डिवाइड करना है पहले। तो वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बना लेंगे आप रफ वर्क, ठीक है, डिवाइड करके देखने के लिए। तो सबसे पहले आप वन को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 ही आएगा। जिससे डिवाइड होता है उसी नंबर से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, कम पूरा पूरा होना चाहिए। कितना आएगा आंसर? 6, वो यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, रुकना कहाँ है मैं बताऊंगा अभी आपको। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 से हो रहा है, हो रहा है, लेकिन 4 आ चुका है इधर, देखो कहीं भी डिजिट आ चुका हो इसमें कहीं भी, तो वो हमें रुकने का सिग्नल मिलेगा कि ये यहाँ पे हमें रुक जाना है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 आ चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे रुक जाओ, इसे आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 15 के फैक्टर निकालने हैं। 1 से तो करना ही करना है, क्योंकि 1 से हर एक नंबर क्या होता है? डिवाइड होता है। उसके बाद किससे करना है? 2 से, 2 से नहीं हो रहा, ये पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं करना है। 3 से हो रहा है, 3 से करेंगे क्या आंसर आएगा? 5। आंसर को हमें पीछे लिखना है, ठीक है। उसके बाद 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 5 आ चुका है, ये रहा, मैंने कहा था ये क्या है? रुकने का सिग्नल। तो अब हमें लिखना है फैक्टर, फैक्टर ऑफ 12। 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 इधर नीचे आना है, 2, 3, फिर उसके बाद 3 आ गया, अब इधर आ जाना है इधर, ठीक है। 4, एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, एक नंबर एक ही बार रिपीट होगा बस। 6 और 12, फर्स्ट फैक्टर 1 होगा, लास्ट फैक्टर वो खुद होगा, बीच वाले फैक्टर हमने निकाल दिए इसके। ये फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो 12 को जो जो नंबर डिवाइड करते हैं, जैसे 1 डिवाइड करता है पूरा पूरा, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है और 12 भी करता है, जैसे 12 पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसे हमें किसके लिखने हैं? फैक्टर ऑफ 15, 1, 3, 5, देखो 1, 3, 5, 15, ये 4 फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी करना है और क्वेश्चन नंबर बी में भी करना है। ए में भी हमें यही तक फैक्टर निकालने हैं और बी में भी हमें फैक्टर निकालने हैं। पहले पहला काम दोनों क्वेश्चन में यही है, फैक्टर निकालने हैं। जितने दे रखे हो उतने के, 3 दे रखे हो तीनों के निकालने पड़ेंगे। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों में हो, जैसे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों में शामिल हो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर है, 1, 3, ठीक है। एक बार लिखना है, दोनों बार नहीं लिखना है, ये कॉमन फैक्टर है तो 1, 3, उसके बाद नहीं है, ये 2 ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसे फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालने हैं। लेकिन एच सी एफ में क्या करना है? तो एच सी एफ में भी हमें फैक्टर निकालने हैं, ऐसे ही कॉमन फैक्टर भी निकालने हैं, उसके बाद एक एच सी एफ और निकालना है बस। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है ना, उसका सबसे बड़ा कौन सा है? कॉमन फैक्टर निकालने पहले उसमें सबसे बड़ा जो होगा वो होगा एच सी एफ। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया? 2 कैसे करना है? 1 और 2 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक लाइन का डिफरेंट है। 1 क्वेश्चन में आप फैक्टर निकालेंगे, सेकंड में भी फैक्टर निकालेंगे दोनों डिजिट के। उसके बाद कॉमन, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन फैक्टर पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमारा एच सी एफ और निकालना है हमें। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा ना, वो एच सी एफ हो जाएगा बस, अगर हमें सेकंड क्वेश्चन करना है तो, ठीक है। रफर का हमें क्या काम आएगा? डिवाइड करके देखने के लिए। अगर आप ओरली नहीं कर पाते हैं डिवाइड, तो आप यहाँ पे करके देखेंगे, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8।
ठीक है। तो एट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें तीन डिजिट है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ 12, 30 और 54। क्लियर? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ नीचे जगह कम है तो यहाँ पे 12 के फैक्टर निकालता हूँ पहले। ठीक है, 12 को 12 से 1 से करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, 12 को 3 से करेंगे 4, वैसे अभी किया था हमने 12 वाला ये रहा। ठीक है, 12 को फिर किससे करेंगे, 4, 4 आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, ऐसे हम किसे करेंगे, अब 30 के फैक्टर निकालेंगे, 30 को 1 से करेंगे 30, 30 को 2 से करेंगे 15, 30 को किससे करेंगे अब 3 से, 3 से करेंगे तो 10, 30 किससे करेंगे अब 4 से, नहीं होता 5 से, 5 से करेंगे तो 6, 5 के बाद क्या किससे करेंगे 6, 6 आ चुका है पहले ही, इसका मतलब यहाँ पे रुक जाओ। उसके बाद क्या बच गया, 54, 1 से करेंगे 54 ही आएगा, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 2 4, 2 7 14, ओरल ले कर सकते हैं या फिर यहाँ पे करके देखेंगे रफर में। ठीक है, 54 को किससे करेंगे फिर 3 से, 3 से हो जाएगा 3 1 3 3 8 24, 4 से करेंगे, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 9 6 से हो जाएगा, 6 9 50 4, 6 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 आ चुका है। तो ये फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के निकल गए हैं, अब क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 12 के लिखेंगे पहले, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 6 12, ऐसे किसके लिखेंगे फिर, फैक्टर ऑफ 30 के लिखेंगे, 1 2 3 5, 1 2 3 5 6, फिर इधर चल जाएंगे 10 15 13। उसके बाद किसके लिखेंगे, 54 के लिखेंगे, 54 के ये रहे 1 2 3 6 9 18 27 और 54। क्लियर? अब आपको आ गया, ये आ गया फैक्टर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। तो पहले कॉमन फैक्टर निकलेगा, एच सी एफ जब भी निकालना है तो पहले क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर। तो इनके कॉमन फैक्टर निकाल लो जो तीनों में हो, असल इस बार तीनों में होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये तीनों में है तो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 12 के फैक्टर में भी शामिल हो, 30 के फैक्टर में भी शामिल हो और 54 के फैक्टर में भी शामिल हो। ठीक है, वो होता है कॉमन फैक्टर, जो तीनों घर में रहता हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस घर में भी रहता हो, इस घर में भी रहता हो और इस घर में भी रहता हो। ठीक, तो 1 जो है वो है ये है, उसके बाद 3 भी तीनों घर में रह रहा है, ठीक है, तीनों फैक्टर में शामिल है, उसके बाद 4 नहीं है, 6 6 तीनों, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, 6 है, उसके बाद नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो अब एच सी एफ क्या हो जाएगा, जो इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 6 कॉमन फैक्टर, तो 6 एच सी एफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर? तो आज कल आपने फर्स्ट किया होगा, आज आप सेकंड करेंगे। थैंक यू।